हेलो एवरीवन, भाइयों और बहनों, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे इस सवाल पूछ रहे हो कि सर इस बार सेमेस्टर थ्री का रिजल्ट कैसा हुआ है? क्या 90% स्टूडेंट इस बार फिर से आईटी में फेल हो गए? क्योंकि लास्ट ईयर सेम थ्री में 98% बच्चों को यूनिवर्सिटी ने आईटी में फेल कर दिया था। ये मैं बोलना पसंद करूंगा क्योंकि फेल हुए नहीं थे बच्चे, क्योंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट में बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट हुआ था सेमेस्टर थ्री का आईटी में। इसलिए आईटी में आप लोगों में बहुत सारे बच्चों में इस बार उनको डर लगा हुआ है। बट भाई और बहनों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट इस बार का रिजल्ट उतना भी खराब नहीं हुआ है जितना आप सोच रहे हो। भाई और बहनों, एज एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल पेपर मतलब कि अकाउंट्स में और मैथ्स में थोड़ा सा बच्चों का जो जो सप्ली का रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बाकी रिजल्ट बहुत ही अच्छे हुए हैं, तो जब परसों रिजल्ट आपका निकलेगा तो आप फाइनली देख लेना। बट मैंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है, मैंने से जो गेन किया वो आपसे शेयर कर रहा हूं कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है, उतना खराब नहीं है, बस समझे। हाँ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा उसमें सप्ली हल्का सा बच्चों का लग गया है, जैसे अकाउंटेंसी में और थोड़ा सा मैथ्स में। बाकी ज्यादातर बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इवन मैथ्स में भी बच्चे बहुत अच्छा पास किए हैं, थोड़ा सा अकाउंट्स में बच्चों का सप्ली लगा है। वो आप जब रिजल्ट निकलेगा 17 तारीख को 2 बजे तो आप मिला लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और अगर सेमेस्टर 4 में कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हो तो अपने भाई के पास ज्वाइन कर लो। आप ऑल सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस ले सकते हो और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी क्लासेस ले सकते हो। थैंक यू।